नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेड प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड को बना लिए हैं और आयुष्मान कार्ड को हमने खुद से डाउनलोड भी कर लिए हैं, पर आयुष्मान कार्ड में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा बचा हुआ है और जो पैसा बचा हुआ है उस पैसा को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इस प्रकार के लोग जो है कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आयुष्मान कार्ड का पैसा को हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं और आयुष्मान कार्ड में जो पैसा बचा हुआ है 5 लाख या 4 लाख जो भी बचा हुआ है उस पैसा को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ब्राउजर में टाइप करना है बेनिफिशियरी NHA, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आयुष्मान कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को टाइप करना है, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप कर देना है। यहाँ पे दिख जाता है लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कीम का नाम सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दिख जाता है सर्च बाय, जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सर्च करने के लिए यहाँ पे देखिए 6 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप सर्च करना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है और यहाँ पे दिख जाता है सर्च, जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में जितने भी फैमिली का नाम है इस प्रकार से फैमिली का नाम यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कितने फैमिली का आयुष्मान कार्ड बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है कार्ड स्टेटस के ऑप्शन में, अगर आयुष्मान कार्ड बनकर रेडी हो गया है तो यहाँ पे दिखेगा अप्रूव और यहीं से आप जो है कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेट का एक पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स पे टिक आउट करना है, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिख जाता है सिलेक्ट, जैसे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं आधार OTP। उसके बाद आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है और जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन किए हैं उस नंबर पे भी एक OTP को सेंड किया गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे जो OTP दिया गया इस बॉक्स में OTP को फिलअप करना है, आधार OTP इस बॉक्स में मोबाइल OTP को फिलअप करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए फैमिली आईडी और मेंबर आईडी देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स पे टिक आउट करना है। अब यहाँ पे दिख जाता है डाउनलोड के ऑप्शन, जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल फोन में आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाला इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है। अब यहीं से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमने आयुष्मान कार्ड को भी बना लिए हैं और आयुष्मान कार्ड को भी डाउनलोड कर लिए हैं, तो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा बचा हुआ है या फिर आयुष्मान कार्ड के अंदर पैसा नहीं है, कैसे हम पता कर सकते हैं और उस पैसा को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, चलिए सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप सभी को मालूम नहीं है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। उसके लिए ब्राउजर में टाइप करना है PMJAY, उसके बाद जैसे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे दिख जाता है प्रोफाइल का जो ऑप्शन यानी जो लोगो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आयुष्मान कार्ड का पोर्टल ओपन हो जाता है और यहाँ पे दिख जाता है मेनू थ्री लाइन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो इस प्रकार से सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है पोर्टल्स और इसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम यानी TMS, इस पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए यूजर ID पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जिसके पास TMS का ID पासवर्ड होगा वही लोग जो हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यूजर ID पासवर्ड को डालकर लॉगिन करके सबसे पहले लॉगिन कर लेना होगा। और ये ID पासवर्ड किसके पास होगा वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आप आयुष्मान कार्ड का बैलेंस चेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके नज़दीक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वही हॉस्पिटल में जाना होगा और इसी पोर्टल पे यहाँ पे ID पासवर्ड डालकर वो लॉगिन करेंगे और आपका जो PMJAY ID नंबर है यानी आयुष्मान कार्ड जो ID नंबर है वो ID नंबर वो अपना पोर्टल पे डालकर वो चेक करेंगे और वहीं से वो बताएंगे कि आपके आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप खुद से आयुष्मान कार्ड का बैलेंस नहीं चेक कर सकते हैं। अब बहुत लोग जो हैं कि कमेंट कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड में जो पैसा बचा हुआ है जो पैसा है उस पैसा को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों जो आयुष्मान कार्ड में पैसा है तो उस आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल फ्री में आप इलाज करवा सकते हैं, उस पैसा को आप नहीं निकाल सकते, बस आपको 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में।